ये शादी दहेज के बिना नहीं होगी। सच पूछिए तो आप दहेज दे रहे हैं। जी हां, सुशीलता, सज्जनता और सभ्यता जैसे अनमोल संस्कार देकर आपने अपनी बेटी को पाला है। अब आप ही बताइए शास्त्री जी, इससे बड़ा दहेज और क्या हो सकता है? शास्त्री जी, आप कन्यादान करने जा रहे हैं, उससे बड़ा दान कुछ हो सकता है क्या? आप बस एक जोड़े में अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। शास्त्री जी, आप जैसे पंडित की बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बने, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें तो नाज है कि हमारे देव ने आपकी बेटी विशाखा को चुना है। ऐसी संस्कारी बहू के चरण पड़ने से आने वाली पीढ़ी भी संस्कारी होगी ना? हमारा पूरा घर छोटी बहू के आने का इंतजार कर रहा है और माँ जी तो न जाने कब से अपने पहले पोते को गोद में खिलाने के सपने देख रही हैं। बस एक नन्ना सा बाल गोपाल हमारे आंगन में खेले और उसकी किलकारियों से सारा घर गूंज उठे। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ। शुरू हो गई। शुरू हो गई वारिस की बातें। क्या शुरू हो गया बेटी? जी तैयारियां, हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, एक ही तो छोटा भाई है मेरा और उसकी शादी उसकी मर्जी से उस लड़की से होने जा रही है जिसे उसने खुद पसंद किया है। इससे ज्यादा खुशी तो मुझे मिल ही नहीं सकती। हम आपके परिवार के बहुत आभारी हैं पुरोहित जी। अगर प्रभु की यही इच्छा है तो 10 दिनों में विवाह करने में हमें कोई आपत्ति नहीं। अब हमें आज्ञा दें। नमस्कार। वैशाली जी, माँ जी, वो मैं कंगन लाना तो भूल ही गई। विशाखा का नाप लेना था ना। अच्छा ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगी। हाँ नहीं नहीं, ये शाम को आने का बहाना नहीं है, मैं सच्ची भूल गई, उम्र हो गई है ना। अरे आप ही का घर है, अब तो विशाखा आपकी छोटी बहू हुई, आप जब चाहें आ सकती हैं।
विशाखा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जी बाबूजी, वो संगीत क्लासेस के लिए। कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा विवाह होने वाला है। परीक्षा की थाली आज ही आई, 10 दिनों में विवाह हो जाएगा। उचित होगा यदि शांत होकर बैठो। पर बाबूजी, मेरी संगीत साधना। बेटे, अब जो भी करना विवाह के पश्चात ही करना, और वो भी अपने ससुराल वालों की अनुमति से, समझ गए? जानती हूँ बाबूजी कि अब मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, पर गुरुजी को तो बताना होगा ना, बस इसलिए। तो फोन करके बता दो। किया था बाबूजी, पर उनका फोन नहीं लग रहा, और मैं गुरुजी की सबसे अच्छी शिष्य हूँ, तो जब तक मैं पहुँचती नहीं तब तक गुरुजी संगीत सिखाना शुरू नहीं करते, इसलिए बाबूजी बताना तो होगा ना। हम उन्हें सूचित कर देंगे बेटा। अरे जाने दे लल्ला, ब्याह से पहले आखिरी बार जरा घूम आएगी, जाने दे। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी बाबूजी। पूरब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कोई और डायरेक्टर नहीं है जो मेरा ऑडिशन ले सके, जिसे एक नए चेहरे की तलाश हो। पूरब, मुझे शादी नहीं करनी। आज शगुन आया है, कल वो खानदानी कंगन आ जाएगा। पूरब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दादी बताओ ना। क्या बताओ ना? अरे क्या बताओ ना, बताओ ना, क्या बताऊं दादी? वही शगुन सेरेमनी एंड ऑल दैट। शगुन से? अच्छा, शगुन सेरेमनी। हाँ, तो तू शगुन सेरेमनी के बारे में जानना चाहता है या फिर वो? अरे नहीं दादी, मैं आपके होते हुए किसी और के बारे में पूछ सकता हूँ? नायक है? हाँ दादी, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, बताती। हम लोग शगुन लेके तेरी दुल्हन के घर गए, उसे शगुन दिया, बिल्कुल मेरी राधा रानी जैसी लग रही थी। पता है, एक बार उसे देखकर मेरा जी नहीं भरा, इसीलिए मैं बिरजू को लेके फिर जा रही हूँ उसके पास। तू चलेगा हमारे साथ? नहीं दादी, आप जाइए। ये मेरे कान तो नहीं बज रहे? मैंने सही सुना, तू विशाखा से मिलने नहीं जाएगा? आई नो दादी आप क्या कह रही हैं, लेकिन यू नो दादी, मैं भले यूएस में पढ़ा लिखा, पर फिर भी मैं अपने फैमिली के रिचुअल्स और कस्टम्स जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि शगुन देने के बाद लड़का लड़की शादी तक नहीं मिलते, वो अपशगुन होता है। And I seriously honor that custom. अरे जियो मेरे लाल, जियो जियो। तुझे पता है कि मैं विशाखा के पास फिर से क्यों जा रही हूँ? चल बताती हूँ।